हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन टस्कर्स और इंडो बल्गेरियन सीसी के बीच में होने वाले आज के फाइनल मुकाबले की। आज का दिन वैसे अभी तक बहुत बढ़िया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से टीम्स परफॉर्म कर रही हैं और वन साइडेडली वैसे मैं तो जीता हूँ। आप अगर मेरी टीम्स भी लेकर गए होगे ना तब भी आप वन साइडेडली जीते होगे क्योंकि बहुत बढ़िया टीम्स परफॉर्म कर रही हैं और सारे के सारे जितने कैप्टन वाइस कैप्टन थे वो मतलब ड्रीम इलेवन में भी हैं, उतने कैप्टन वाइस कैप्टन तो बहुत बढ़िया टीम परफॉर्म कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको जुड़ना है। एकमात्र जरिया टेलीग्राम पर जुड़ने का, अगर आपको लिंक से मतलब आप नहीं खोल पा रहे हो तो आप सर्च कर सकते हो, पर सर्च से बढ़िया तो ये है कि यार लिंक खोलो, लिंक पर क्लिक करो और वहाँ से आप जुड़ जाओ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टस्कर्स की टीम आज के मुकाबले अभी खेल कर ही आई है, दो मुकाबले कंप्लीट करें आज टस्कर ने, और यहाँ पर इंडो बल्गेरियन की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी एक मुकाबला खेल रहे हैं और बैक टू बैक इनका दूसरा मुकाबला है। इंडो बल्गेरियन आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है टीम, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो ना तो 96 रन इन्होंने मार दिए हैं 6 ओवर्स में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था इनके कैप्टन वाइस कैप्टन जो हैं वो अपन बी ताहिर और वही रखेंगे, क्योंकि वही देखो बी ताहिर अपना कैप्टन बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद अगर आप देखो तो एच लकोव आपका वाइस कैप्टन होगा, मेरा वाइस कैप्टन था वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों के दोनों प्लेयर चल रहे हैं। और इनने एक चेंज करा था, बी त्रिवेदी को ऊपर लेकर आया, उसमें 12 रन उसने बनाए, तो वो आपने अगर रखा होगा ग्रैंड लीग में तो ठीक, नहीं रखा होगा तो वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए ठीक ही है। एक प्लेयर एन ननकोव वो विकेट लेकर गया, ये थोड़ा सा सरप्राइज़ लगा मुझे कि एन ननकोव विकेट ले गया, जब तक मैं रख रहा था इसे अपनी टीम में ये मतलब कभी कभार खेल नहीं रहा था, या जो कब खेला तो उसने वहाँ पर विकेट नहीं चटकाई। वैसे एन ननकोव प्लेयर बढ़िया है, वो ये एक आधी विकेट ले गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे दोनों टीम्स की, उसके बाद जो है यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेंगे। तो टस्कर की अगर हम बात करें, देखो मैचेस ये ज़्यादा नहीं जीते हैं, एक ही मैच जीता है, पर यहाँ पर इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। यहाँ पर अगर आप देखो फियाज मोहम्मद 35 रन, 23 रन, 28 रन, 64 रन, फिर उसके बाद रोमाल्ड आपके पास है 0, 31 और 28, फिर उसके बाद अक्षय हरिकुमार आपके पास है 30 रन 9 रन के साथ, 1 विकेट 5 रन के साथ 2 विकेट और 34 रन, फिर उसके बाद नितिन सुनील आपके पास है 20 रन 19 रन, फिर उसके बाद 0 और 5, फिर उसके बाद क्लिक्स जॉन आपके पास है 6 रन इसने बनाए हैं, मतलब जब इसको मौका मिला था तब। फिर उसके बाद हमारे पास बेंजामिन है 1 रन इसने करा, फिर उसके बाद नज़ीर आपके पास है 1 रन, फिर उसके बाद ब्रैडली 1 विकेट इस प्लेयर ने चटकाई है अभी तक। और इन मतलब टस्कर्स की मेन दिक्कत ये है कि भाई इनकी विकेट्स, इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना बढ़िया नहीं है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में हरी कुमारी एक बढ़िया प्लेयर है, फिर उसके बाद फियाज मोहम्मद आपके पास है जो आपको बॉलिंग करवा के दे देगा, मतलब कुछ गिने चुने ही प्लेयर्स हैं जो आपको बॉलिंग करवा, वो ही आप बैटिंग भी करवा के देने वाले, जैसे फियाज मोहम्मद आपके पास है, जैसे रोमाल्ड आपके पास हैं, जैसे आपके पास ये हरी कुमार हैं, ये तीन प्लेयर तो आपकी टीम में पक्का ही होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं ब्रैडली हमारे पास है, ब्रैडली अगर आप ट्राई करना चाहो बॉलिंग सेक्शन में आपको ब्रैडली ट्राई करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास जो है केन शाजी हैं, पर पिछला मुकाबला मतलब इसका बढ़िया रहा। फिर उसके बाद क्लिक्स की अगर मैं बात करूं, क्लिक्स खेला है, क्लिक्स ने भी बढ़िया परफॉर्म करा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप ये सारे के सारे प्लेयर्स देख सकते हो, इनकी पॉइंट अगर आप देखो तो भैया ये देख सकते हो कि कौन कौन से प्लेयर खेले हैं कौन कौन से नहीं। अभी जो हम यहाँ पर टीम दूसरी टीम की बात अगर करें इंडिया टस्कर के, अगर आप स्क्वाड्स की बात कर लो तो वो आप सारे के सारे प्लेयर के स्टैट देख सकते हो, हर एक प्लेयर के स्टैट्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बारबेरियन की अगर मैं बात करूँ, बारबेरियन सीसी की टीम भी इतनी बढ़िया नहीं रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इंडियन टस्कर वाली टीम जीतती हुई दिख जाएगी। बारबेरियन नहीं सॉरी आईबीसीसी पर दूसरा मैच खुल गया था मुझसे, दूसरे मैच के नोट्स खुल गए थे। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास देखो आईबीसीसी की टीम तीन मुकाबले जीते हैं, एक मुकाबला अपना हार कर आ रहे हैं, और अभी का मुकाबला भी मोस्ट चांसेस ये हैं कि भैया ये जीतने वाली है। आईबीसीसी की टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी, क्योंकि अभी देखो 109 रन बनाया, 7 ओवर हुए हैं सिर्फ अभी कंप्लीट। उसके बाद एच लकोव आपके पास हैं, अभी पिछले मुकाबले में बी त्रिवेदी ने ओपन करा और 12 रन इसने बनाए हैं। उसके बाद अगर आप देखो एच लकोव 16 रन, और ये जो है मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही मज़े ले रहा है अभी के लिए, बी ताहिर ही यहाँ पर रन मार रहा है, बी ताहिर ने 64 रन मार दिए। आपका कैप्टन होना चाहिए हर एक टीम में, ठीक है, और वैसे पहली वाली टीम में ही मैंने आपको इसी को कैप्टन रखने के लिए बोला था। अगर आपने रखा होगा आपकी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही होगी, 76 रन 1 विकेट, फिर उसके बाद अगर आप देखो 28 रन के साथ 1 विकेट, 52 रन 63 रन के साथ 1 विकेट, फिर उसके बाद स्टीव जॉन आपके पास है। अब अगर कोई भी विकेट गिरेगी, अगर आप इनका मैं बैटिंग ऑर्डर देख ही रहा हूँ
तो वहाँ पर स्टीव जॉर्डन को कर दिया गया बिल्कुल नीचे। अब वही है कि भैया ये वैसे तो क्वालिफाई कर ही चुके हैं देखा जाए तो सेमीफाइनल्स के लिए, तो यहाँ पर अभी ने पता है कि सामने वाली टीम इतनी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है, तो शायद जैसे अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो शौकत खान आपको आता हुआ दिख जाए, तो वही है चेंज आपको करते हुए दिख जाएंगे प्लेयर। यहाँ पर प्रकाश मिश्रा आपके पास हैं, फिर उसके बाद अगुल आपके पास है, दोनों ही प्लेयर बढ़िया हैं। शौकत खान 5 रन, फिर उसके बाद यहाँ पर सिड कुलकर्णी 5 रन, अभी त्रिवेदी अभी इसने ओपन करा था और 12 रन इसने बनाए। यहाँ पर अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखो कुछ प्लेयर ये पाँचों के पाँचों वैसे आप टीम में ये पांचों आपको रखने ही रखने हैं, कैसे मर्जी भी रखने हैं, पर ये पांचों आपकी टीम में होने चाहिए सीधी सी बात। यहाँ पर बीत आहिर आपका कैप्टन, वाइस कैप्टन आपके पास एच लकोव जो आपको बॉलिंग भी करवा के दे रहे हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल कोई है नहीं कि भैया आपको ये मतलब देखो आप रन ही कौन बना रहे हैं, एच लकोव और बीत आहिर और उसके बाद पी मिश्रा और अगुल आपके पास हैं जो आपको बॉलिंग भी बढ़िया करवा के दे रहे हैं। जी सिंह एक ऐसा प्लेयर जो आपको बॉलिंग करवा के दे रहा है तो वो ये प्लेयर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है, तो इसीलिए मैंने जी सिंह को भी यही कह रहा हूँ कि जी सिंह भी रखो। आर सिंह एक ऐसा प्लेयर जो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो क्योंकि शायद ये भी खेल जाए और अगर ये खेलता है तो ये शायद ये बॉलिंग भी करवा जाए, तो वो आपको देख के चलना है। यहाँ पर डिटेल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी जो हम यहाँ पर टीम के बाहर डिस्कस कर लेते हैं। टीम के बाहर डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोनों काम कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। एंड सुनील एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन एस खान अगर आप ट्राई करना चाहो, शौकत खान देखो अभी जो बैटिंग ऑर्डर इनका यही है कि अगला बैट्समैन शौकत खान आएगा तो यहाँ पर भी ऐसे ही रह सकता है क्योंकि टस्कर्स की टीम के बैट्समैन ज़्यादा बढ़िया हैं, बॉलर्स इतने बढ़िया नहीं हैं और इनके बॉलर्स इतने बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बी त्रिवेदी को अभी इनने ऊपर भेजा तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यार बी त्रिवेदी अगर दोबारा से ऊपर आ भी जाएगा तो इतना बढ़िया परफॉर्म कर जाए, पर आप ग्रैंड लीग में इसे पक्का ट्राई कर लेना। अब तो ग्रैंड लीग में पक्का ही ट्राई करूँगा मैं तो, क्योंकि बी त्रिवेदी को जैसे इनका ऑर्डर जो चेंज हुआ है उस हिसाब से प्लेयर ऊपर आ सकता है और इसकी स्ट्राइक रेट भी 133 की रही। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एच लकोव आपके पास अभी बैटिंग कर रहा है, पी मिश्रा बॉलिंग कर रहा है बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है, जी सिंह मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पर इसकी सिलेक्शन मेरे हिसाब से 90 होनी चाहिए थी, पर सामने वाले प्लेयर कैसे लेकर आ रहा है टीम मुझे नहीं पता। एस जॉर्डन अगर वो लेकर आ रहा है तो अभी के लिए तो भैया एस जॉर्डन नीचे ही आने वाला है, विकेट सटका जाता है वो अलग बात है अगर आपको बॉलिंग करवा के दे दे एक आधा ओवर। एन वार्सिली नहीं खेलेगा मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मर नहीं है तीनों के तीनों, तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहो ग्रैंड लीग में कर सकते हो, स्मॉल लीग में मैं तो नहीं बोलूँगा। बी ताहिर ए हरी कुमार एफ मोहम्मद और आर लजारियस चारों के चारों प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं और ये चारों आपकी टीम में होने चाहिए चाहे कुछ भी कर लो। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुलकर्णी आपके पास और रोहित सिंह मुझे लगता है इसके मैच में बॉलिंग करवा जाएगा, ग्रैंड लीग में मैं ट्राई करने वाला हूँ, स्मॉल लीग में तो मैं ज़रा भी ट्राई नहीं करने वाला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे पास ए अहमद खील हैं, इसने बहुत बढ़िया प्लेयर है, ये आपको ना बॉलिंग भी करवा के दे देगा और अगर इसकी बैटिंग आती है तो बैटिंग में भी बहुत तगड़ा आपको करके दे देगा। बी कॉन्स्टेन आपके पास और एच रज़ा आपके पास हैं, ये प्लेयर्स भी आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे। उसके बाद जे मैथ्यू आपके पास, अगर आप जे मैथ्यू ट्राई करना चाहो जे मैथ्यू ट्राई कर सकते हो। एस ढिल्लन आपके पास है, पिछला मुकाबला खेला वैसे ज़्यादा कुछ तो करा नहीं पर बस यही है प्लेइंग 11 में आया टीम में आया, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या करा क्या नहीं करा, 4 पॉइंट आए इसके तो वहाँ पर वही है प्लेइंग 11 के पॉइंट और ड्रीम टीम में भी इसीलिए आया क्योंकि सामने वाले प्लेयर्स के माइनस में भी पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर अगर इस टीम की मैं बात करूँ तो ये टीम हमारे लिए वैसे स्मॉल लीग के, पर सबसे पहले टीम की हम बात कर लेते हैं। ये जो टीम है हमारे पास बीत आहिर एज अ कैप्टन और ये हरी कुमार एज अ वाइस कप्तान, ये टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है स्मॉल ग्रैंड लीग में। अगर आप चाहो स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो पर थोड़ा सा रिस्क है देखो स्मॉल लीग में ट्राई करने में, वो मैं आपको बता दूंगा। एन सुनील जी सिंह पी मिश्रा एच लकोव, अब एच हरी कुमार को स्मॉल ग्रैंड लीग में ट्राई करने में रिस्क क्या है क्योंकि ये विकेट तो चटका रहा है बहुत बढ़िया तरीके से पर बैटिंग इतनी बढ़िया नहीं कर रहा है। फियाज मोहम्मद बैटिंग बढ़िया कर रहा है पर विकेट नहीं चटका रहा है, तो ये आपके ऊपर है देखो इन दोनों में से कोई एक प्लेयर रखना है। और तीसरा प्लेयर आर रजारियस है जिसे बहुत कम रखेंगे, वैसे अपनी टीम का कैप्टन है, पिछले मुकाबले में इसने ओपन करा है बहुत बढ़िया 35 रन इसने मारे और उसके बाद ओवर भी ये 2 कंप्लीट करवा रहा है, तो इसे भी अगर आप रखना चाहो एज अ वाइस कैप्टन। और अगर यहाँ पर देखो IBCC की टीम दोबारा से अगर पहले बैटिंग कहीं कर जाए ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो मान के चलो भैया बी ताहिर और एच लकोव एक आइडियल चॉइस होने चाहिए, उसके बाद आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो, देखो ये अगर इनको वाइस कप्तान रख रहे हो तो इसका मतलब आप थोड़ा सा रिस्क ले ही रहे हो, तो वो रिस्क ले लो शायद बहुत बढ़िया चल जाए क्योंकि पिछले मुकाबले में ये दोनों तीनों ही प्लेयर्स बहुत बढ़िया चले हैं। उसके बाद एन सुनील आपके पास हैं, जी सिंह आपके पास, पी मिश्रा एच लकोव, फिर उसके बाद वाइस कैप्टन हमारे पास जो है एच हरी कुमार हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एफ मोहम्मद हैं, लजारियस हैं, फिर उसके बाद बी ताहिर जे मैथ्यू, उसके बाद बी कॉन्स्टाइन है और उसके बाद अगर आप देखो भैया ए अहमद खील आपके पास हैं, पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी कहाँ पर।
स्मॉल कैंड लीग और हेड टू हेड में दोनों जगह आपको ये टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ प्योरली ग्रैंड लीग की टीम, कैप्टन एफ मोहम्मद और वाइस कैप्टन बी ताहिर, सी जॉन, फिर उसके बाद बी बेंजामिन, पी मिश्रा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एच लको वैन सुनील, फिर उसके बाद ए हरी कुमार, बी कॉन्स्टाइन, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एच रजा आपके पास है, ए अहमद कील आपके पास है, ये पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, ग्रैंड लीग में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देगी। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टन जो यहां पर है बी ताहिर और वाइस कप्तान एफ मोहम्मद हैं, फिर उसके बाद सुनील जी सिंह, फिर उसके बाद पी मिश्रा एच लको, फिर उसके बाद आर लजारियस, फिर उसके बाद ए हरी कुमार, फिर उसके बाद बी कॉन्स्टेन आपके पास है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एच रजा और ए अहमद खील, ये पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देगी स्मॉल लीग में। हेड टू हेड की टीम वैसे मैंने बनाई है, हेड टू हेड में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है, बस वाइस कैप्टन और कैप्टन चेंज कर लेना और तो कोई दिक्कत नहीं। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।